हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई और फ्रेश वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं सीतामढ़ी और वहां जाके आपको जो है जानकी स्थान का ब्लॉग करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जानकी स्थान। अभी जानकी स्थान का जो है मंदिर आपको दिख रहा होगा। अभी हम इस परिसर का जो है पूरा आपको ब्लॉग करके दिखाने वाले हैं वीडियो में। जंक्शन से सी जानकी स्थान का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर, और आप बाइक ऑटो आ सकते हैं या फिर पैदल भी आ सकते हैं। चलिए अभी हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर के जो व्यूज़ है उसको कैप्चर करके आपको। गाइज, जो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में खड़े हैं जानकी स्थान के। ये देखिए मेरे चारों तरफ, ये बिल्कुल बीच में खड़े। और मैं बता दूँ जानकी स्थान के बारे में कुछ कि ये जो है बिल्कुल इस मार्केट का जो है बिल्कुल मेन है। और सीतामढ़ी जो है जानकी स्थान के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जितना कि पुनौरा धाम के लिए ही है। और मैं बता दूँ कि इसकी जो खूबी है, क्यों ये फेमस है ये जगह, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ जो है सीता माता का जब बॉर्न हुआ था तो उस जगह पे, यानी कि पुनौरा धाम में कोई जगह नहीं था, कोई घर नहीं था। और जैसे ही उनका बॉर्न हुआ था तो काफ़ी तेज़ बरसात हो रही थी, तो आंधी तूफान भी आ गया था और भगवान दशरथ जी को जो है रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था। तो इधर की ओर आते आते उनको यहाँ पर एक मरई दिखाई दे दिया था। उसी मरई में उन्होंने लगभग 6 दिनों तक वो यहीं रहे थे। सीता माता को यहीं रखा गया था 6 दिनों तक। तो काफ़ी गर्व वाली चीज़ें हैं कि हम भी इसी जगह पे बॉर्न हुए हैं जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ है, तो काफ़ी प्राउड फील होता है खुद पे। तो चलिए अभी हम और चीज़ें आपको दिखाते हैं। भाई, जो ये अभी हम खड़े हैं एक और कुंड जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये जानकी स्थान में ही कुंड है। और ये कुंड क्यों फेमस है और इसका क्या नाम है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसका नाम जो है वो है उर्जीवा कुंड। और क्यों रखा गया उर्जीवा कुंड ये मैं आपको बताऊं कि भगवान सीता, लक्ष्मण और राम की जो प्रतिमा है वो यहाँ से जो है निकली थी आज से लगभग 400 वर्ष पहले। और एक जो तपस्वी यहाँ, तपस्वी नहीं आम इंसान ही कह सकते हैं, श्री नारायण कुछ करके उनका नाम है, जो उन्हें ये प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने ही यहाँ पे उनका स्थापना किया था। और आज भी उसी स्टैचू का जो है पूजा किया जाता है। ये नॉलेज आपको नहीं मिला हुआ किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी वेबसाइट पे, तो इसके लिए ज़रूर लाइक वाला बटन दबाइएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 7 घंटे को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को ओवर कर देते हैं।